हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सिविक कंसेप्ट। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब वैकेंसीज फॉर सिविल इंजीनियर्स। दोस्तों, आपको पता होगा मैं रेगुलरली जो है गवर्नमेंट जॉब वैकेंसी के बारे में वीडियो बनाता रहता हूँ, एंड स्पेशली फॉर द सिविल इंजीनियर्स। जो भी दोस्तों गवर्नमेंट जॉब वैकेंसी निकलती है उसके बारे में वीडियो बना के जरूर मैं आपको इन्फॉर्म करता हूँ। तो आज की वीडियो में ऐसी गवर्नमेंट जॉब वैकेंसी के बारे में बात करने वाले हैं जिसका नाम है आइकॉन जॉब रिक्रूटमेंट 2024। आइकॉन मतलब इंडियन रेलवे कंस्ट्रक्शन कंपनी जो है, इसके अंदर 33 असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। इसके अंदर जो है कौन कौन सी पोस्ट के लिए वैकेंसीज है, कितनी वैकेंसीज है, क्वालिफिकेशन क्या रिक्वायर्ड है, एज लिमिट क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होने वाला है, एप्लीकेशन फेयर क्या है, पे स्केल क्या है, कैसे अप्लाई करना है, लास्ट डेट एंड डेट, सारी डिटेल दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। उससे पहले दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों, ये है वैकेंसी आइकॉन जॉब रिक्रूटमेंट 2024। आइकॉन मतलब इंडियन रेलवे कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड जो है, इसके अंदर 33 असिस्टेंट मैनेजर की यहाँ पे पोस्ट निकली हुई है। अब इसके अंदर अगर आप बात करें तो वैकेंसी एंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर बात करें तो असिस्टेंट मैनेजर सिविल जो है उसकी 28 वैकेंसीज है, जिसके अंदर डिग्री इन सिविल इंजीनियर मतलब बी बीटेक भी है, वो भी अप्लाई कर पाएंगे, डिग्री इन सिविल इंजीनियर चाहिए। एओसी फाइनेंस की 2 वैकेंसीज है, असिस्टेंट फाइनेंस की 3 वैकेंसीज है। एओसी फाइनेंस में सीए आईसीडब्ल्यूए एमकॉम रिक्वायर्ड होगा, जबकि असिस्टेंट फाइनेंस में बीकॉम एमकॉम रिक्वायर्ड होगा। एज लिमिट की बात करें तो यहाँ पे 21 एज की मिनिमम एज लिमिट है, मैक्सिमम एज लिमिट 30 ईयर्स की यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। सिलेक्शन प्रोसेस में क्या होगा, आपका सीबीटी टेस्ट मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, उसके बाद शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट को इंटरव्यू के लिए यहाँ पे बुलाया जाएगा। एप्लीकेशन फी की बात करें तो अनरिजर्व ओबीसी कैंडिडेट के लिए 1000 रुपीज है, एसटी ईडब्ल्यूएस पीडब्ल्यूडी एक्स सर्विसमैन के लिए यहाँ पे कोई फी रखी नहीं गई है, वो उनके लिए कोई फी नहीं है। मोड ऑफ पेमेंट ऑनलाइन रहेगा, ऑनलाइन अप्लाई करने होगा। मिनिमम पे स्केल यहाँ पे 19,000 पर मंथ से लेके 1,40,000 पर मंथ की यहाँ पे सैलरी आपको मिलने वाली है। इसके कैसे अप्लाई करना है वो वीडियो के एंड में आपको बताऊंगा, तो वीडियो पूरा देखना। इंपॉर्टेंट डेट्स यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए, इंपॉर्टेंट डेट्स की अगर बात करें तो स्टार्टिंग 20 जनवरी से स्टार्ट हो चुका है, 9 फरवरी को ये क्लोज हो जाएगा। ठीक है, 9 फरवरी को ये जो है क्लोज हो जाएगा। ठीक है, अब इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो है वो मैं आपको बता देता हूँ कि उसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन में क्या है। तो ये देखिए, ये इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, रिक्रूटमेंट ऑफ पोस्ट ऑफ असिस्टेंट मैनेजर सिविल डिसिप्लिन। ठीक है, आइकॉन इंटरनेशनल जो है उसके अंदर ये वैकेंसीज है। कंपनी इनवाइट एप्लीकेशन पोस्ट ऑफ असिस्टेंट मैनेजर सिविल और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अदर डिटेल्स, ये रही सारी डिटेल। ठीक है, तो असिस्टेंट मैनेजर E1 ग्रेड है, जहाँ पे आपको 40,000 से लेके 1,40,000 की सैलरी यहाँ पे मिलने वाली है, प्लस अलाउंस PRD IDA सब कुछ इंक्लूड होगा, जिसमें अनरिजर्व की 13, OBC की 7, ST की 4, SC की 4, ST की 2, EWS की 2 वैकेंसीज है। फुल टाइम डिग्री यहाँ पे रिक्वायर्ड होगी, विद 75% मार्क यहाँ पे आपका होना चाहिए और यूनिवर्सिटी जो AICTE अप्रूव होनी चाहिए। कैंडिडेट को मिनिमम 2 साल का प्री क्वालिफिकेशन पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए, ब्रिज रेलवे हाईवे इस तरह का एक्सपीरियंस होगा तो इसके अंदर आप अप्लाई कर सकते हो। और उसके बाद मेडिकल स्टैंडर्ड देखिए, जो भी है कलर बैंड नहीं होना चाहिए, हेल्थ साउंड इशू नहीं होना चाहिए, ये सारी चीज़ें हैं। और कंपनसेशन पैकेज देखिए, बेसिस केस पे वेरिएबल DA आपको मिलेगा, HRA आपको मिलेगा, अलाउंस मिलेगा, प्रोजेक्ट लोकेशन 30% कॉर्पोरेट ऑफिस परफॉर्मेंस रिलेटेड पे, ये सारी चीज़ें आपको मिलेगी। पोस्ट ऑफ प्लेस ऑफ प्लेस पोस्टिंग की बात करें तो एनीवेयर इन अ प्रोजेक्ट ऑफिस कंपनी विद इन इंडिया अब्रॉड कंपनी रिक्वायर्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम। ठीक है, जहाँ भी आपको कंपनी का काम चल रहा होगा वहाँ पे आपको पोस्टिंग किया जाएगा। सिलेक्शन प्रोसेस होगा CBT टेस्ट के बेस पे, उसके बाद इंटरव्यू आपका लिया जाएगा। बॉन्ड जो रहेगा 3 लाख का रहेगा, सर्विस बॉन्ड रहेगा। ठीक है, 3 साल के लिए, ओके, एटलीस्ट आपको 3 साल जॉब करनी पड़ेगी। बाकी सारे जनरल इंस्ट्रक्शन है, देखिए यहाँ पे 1000 रुपीज अनरिजर्व OBC, बाकी सबके लिए नीट यहाँ पे एप्लीकेशन फ्री है। अप्लाई कैसे करना है मैं आपको बता देता हूँ, बाकी सारी चीज़ें और डिटेल पढ़नी है तो मैं ये जो PDF इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ पे जाके आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, अब देखते हैं इसमें अप्लाई कैसे करना है। अप्लाई करने के लिए लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, अप्लाई करने के लिए इस तरह का पेज आपके पास ओपन हो जाएगा। इसके अंदर अगर आप पहली बार अप्लाई कर रहे हो तो आपको रजिस्टर करना होगा, अगर ऑलरेडी आपने रजिस्टर कर लिया तो यहाँ से जाके आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो। और जो एडवर्टाइजमेंट है ये भी देखिए, यहाँ से आप क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हो, जो भी एडवर्टाइजमेंट है देखिए क्लिक करेंगे यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगा, फिर अप्लाई कर सकते हो। अगर पहली बार आए तो आपको क्या बनेगा, रजिस्टर करना पड़ेगा। रजिस्टर करने के लिए देखिए इस तरह से पोर्टल ओपन होगा, इस पोर्टल में जाके देखिए आपको क्या करना है, पोस्ट आपको सिलेक्ट करनी है, असिस्टेंट मैनेजर पोस्ट कोर्स कैंडिडेट नेम, ठीक है, मोबाइल नंबर, ये सारी चीज़ें इसके फिल करके आपको जनरेट OTP करके फिर आपको यहाँ पे अप्लाई करना है। तो ये दोस्तों बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, अगर आप आइकॉन इंटरनेशनल में जॉब करना चाहते हैं
तो एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, सैलरी पैकेज भी अच्छा है। इसके रिलेटेड आपको कोई भी डाउट हो, क्वेश्चन मुझे जरूर कमेंट करें, मैं उसका आंसर जरूर करूंगा।